अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने लेक्चर आज डिलीवर करना है। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, गॉट इट। और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करके और उसके जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल का पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, और न्यूमेरिकल का पोर्शन भी काफ़ी कवर कर लिया हमने ज़्यादा। आज लेक्चर नंबर 22, चैप्टर नंबर 3, एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 हमने डिस्कस करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.00 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 273 केल्विन इन अ 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वेसल। कहता है कि 10 डेसीमीटर क्यूब का एक वेसल है, ठीक है, उसके अंदर जो गैसेस हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन, जो गैसेस हैं उनका जो मिक्सचर है वो कितना प्रेशर लगाएंगी इतने टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि क्वेश्चन की समझ लगी तो फिर पूरा न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है उसको समझना बहुत इजी हो जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हमने कहा कि वेसल 10 डेसीमीटर क्यूब की है, उसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, इतना टेम्परेचर है उस वेसल का, तो प्रेशर कितना होगा, ठीक हो गया। अब गिवन डाटा हमारे पास है जी, जो हाइड्रोजन है उसका मास दिया गया है वो कितना है, 2 ग्राम है। नाइट्रोजन का मास कितना दिया गया है, 8 ग्राम। वॉल्यूम कितना गया है, दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना दिया गया है, 273 केल्विन। रिक्वायरमेंट क्या है जी, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखें, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। दिया गया मास हो और उसके मोलर मास से अगर हम उस दिए गए मास को डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ये जो छोटा एन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो चूंकि हमें मास दिया गया, देखें यहां पे हमें मास दिया गया है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हमने क्यों करना है भाई। हमने ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हमें, देखिए मास दिया गया, मास है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू भी दी गई है, वॉल्यूम की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आइडियल गैस कांस्टेंट है ये हम खुद इसको याद करना पड़ता है इसकी वैल्यू, तो प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने प्रेशर ही कैलकुलेट करना ना, तो नंबर ऑफ मोल्स मास से आ जाएंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें वैसे ही पता है, टेम्परेचर भी दिया गया, वॉल्यूम भी दिया गया, प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना देखें ईजी हो गया। तो अब पहले सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल्स हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका मास हमें दिया गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन का वैसे तो होता है ना 2.016, लेकिन यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए जी 1। क्लियर जी? इसी तरह से नाइट्रोजन का मास दिया गया है, नाइट्रोजन का मास कितना दिया गया है जी, मास ओवर मोलर मास। तो नाइट्रोजन का मास 8 दिया गया है। नाइट्रोजन एक जो होता है नाइट्रोजन एटम उसका होता है 14 एटॉमिक मास। यहां पे ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में दो एटम है तो उसका 14 + 14 या 28 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल जो है हम दोनों को सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहां पर जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, यहां पे हम लिखेंगे। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहां पे लिखेंगे। दोनों को सम करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.286।
अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम पुट करेंगे, यहां पे प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, तो वी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। जब वी दूसरी साइड पे आ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे एन जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, आर आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है या जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने कैलकुलेट, हम शॉर्ट फॉर्म में मोल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम ओ एल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमने निकालने हैं 1.286 मोल, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है आइडियल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.0821, और यहाँ पे एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, आर का आपने यूनिट भी लिखना है साथ, और टेम्परेचर 273 केल्विन। अब जो यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं उसको पहले कैंसिल करेंगे, केल्विन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर जी। मोल यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे प्लस का डेसीमीटर क्यूब है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी पीछे यूनिट कौन सा बचा, एटीएम। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सबको पहले आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे जो है 10 डेसीमीटर क्यूब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना है हमारे पास 28.82, 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट चूंकि बाकी सारे कैंसिल हो गए थे, एटीएम ही बचा, तो जो प्रेशर हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2.88, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है जी, प्रेशर हमारा कितना निकला है, जो प्रेशर कितना लगेगा उस वेसल के ऊपर, मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें है, तो कितना प्रेशर लगेगा, वो 2.88 एटीएम प्रेशर लगेगा, ठीक है जी। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 21। इसका पहले ए पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उसको ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो रिमेनिंग उसके बी और सी पार्ट्स हैं वो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, क्वेश्चन, द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस ए एंड बी, दो गैसेस हैं, क्लियर जी, और उनकी रिलेटिव जो डेंसिटी है वो है 1:1.5। फाइंड आउट, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी हमने बी गैस का फाइंड करना है, विच विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम, ठीक है, इन विच 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए विल डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है मिक्स हो जाना, आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और वो उनकी कलाइजन से क्या होता है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्लियर जी, कंटिन्यूसली वो दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं, वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और इस तरह से रैंडमली वो टकराते टकराते एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा जी, पहले हम गिवन डाटा की जो है वो हेडिंग देंगे यहां पे, गिवन डाटा। अच्छा, जो गिवन डाटा है वो है जी रिलेटिव डेंसिटी ए की जो दी गई है, डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए के लिए नीचे ए लिख दिया, वो कितनी है जी, वो है 1.00, यानी कि 1। अच्छा, उसके बाद जो रिलेटिव डेंसिटी बी की है वो कितनी है, 1.5। बी के लिए हम डी के नीचे बी लिखेंगे, ठीक है, फॉर गैस बी। उसके बाद जी जो वॉल्यूम दिया गया है वो ए का दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज्ड उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए से, और वो कितना है, 150 डेसीमीटर क्यूब है, तो वी बी हमने फाइंड करना है। अब ये टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का, जो डिफ्यूज हो रही हैं गैसेस, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ, गैसेस के
रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ वो रिलेट होता है। वॉल्यूम का तल्लक किसके साथ होता है? गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ वो आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए को है, सॉरी रेट को है, स्पीड ऑफ, यानी कि रेट से मुराद होता है स्पीड, किस स्पीड से गैसेस मिक्स हो रही हैं एक दूसरे में। और अफ्यूजन ये होता है डिफ्यूजन, किसी सुराख में से विदाउट कोलाइजन जब सुराख के बिल्कुल करीब पार्टिकल आ जाते हैं तो एक एक करके वन बाय वन पार्टिकल का निकलना, ये होता है अफ्यूजन। तो रेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड से, कि किस स्पीड से आपकी गैसेस मिक्स अप हो रही हैं और वो अगर सुराख में से निकल रही हैं तो वो अफ्यूजन होगा। तो हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जो रेट है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से आर बी, गैस ए के लिए ये ए होगा, आर ए गैस बी के लिए आर बी होगा। इस तरह आपने यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने डेंसिटी फिर किस तरह से मैनेज करनी है। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि जिधर आपने आर ए लिखना है ना उसके ऑपोजिट जो डेंसिटी होगी वो बी होगी आपकी, क्लियर जी। इस तरह से आर बी गैस बी के लिए रेट होगा तो उसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड पे जो डेंसिटी होगी वो ए होगी। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं आर बी को ऊपर ले जाऊं और आर ए को नीचे ले जाऊं तो फिर यहां पे आर चूंकि बी ऊपर चला गया तो यहां पे डी ए हो जाएगा और यहां पे नीचे हो जाएगा डी बी, ठीक हो गया। तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज जो डिफ्यूज हुई है डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए हम वो रिलेट कर रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन से, तो हम वॉल्यूम गैसेस का तो हम यहां पे वी ए वी बी भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है वो वैसे रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम जो ए गैस का वो दिया गया वो कितना, 150 डेसीमीटर क्यूब। वी बी हमने फाइंड करना है और जो डी बी है उसका जो रेट है, सॉरी उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1.5 दी गई है और ए की भी दी गई है, यहां पे हमने देखा है उसको, क्लियर जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो कैलकुलेट करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। हम क्या करेंगे कि अगर हमने इधर स्केयर करना है तो हम इधर भी करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो जजर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2, तो हमने इसके ऊपर स्केयर किया हुआ है तो 2 से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1.5 और ओवर 1 वैसे ही आ जाएगा और ये 150 का स्केयर हो जाएगा, इस तरह से वी बी का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सिंपलीफाई करें तो हमें ये चाहिए, क्लियर जी। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 150 उसका स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 का स्केयर ही आ जाएगा और वी बी का जो स्केयर है उसके साथ 1.5 है, हमें अकेला ये चाहिए, 1.5 इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना, तो ये 1.5 इसके नीचे आ जाएगा और ये 150 का जो स्केयर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। तो दिस इज ओके। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना जी, 225 और 1.5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000, ठीक हो गया जी। अब हमें अकेला चाहिए वी बी, लेकिन ये इसका स्केयर है तो इधर भी हम अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो वी बी बच जाएगा और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 122.47 डेसीमीटर क्यूब। तो ये है जी आपका आंसर, हमने गैस बी का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। गैस जो बी है उसका वॉल्यूम कितना है, 122.47 डेसीमीटर क्यूब और जो गैस ए का था दिया गया वो कितना है, वो है जी 150 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन वो कह रहा है कि गैस ए जितना टाइम लेगी डिफ्यूज करने के लिए उतना ही जो गैस बी है वो भी उतना ही टाइम लेगी डिफ्यूज करने के। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 को, 21 का ए पार्ट हमने अभी सोल्व किया है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बी और सी पार्ट भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा,
नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।